नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष वीएनएस गोट फार्म से। दोस्तों आज हम जानेंगे कि बकरी को चमड़ी में सुई इंजेक्शन कैसे लगाए, यानी कि जिसे बोला जाता है इंग्लिश में यानी मेडिकल लैंग्वेज में सबकट। आज हम इस चीज़ को जानेंगे कि बकरी को सबकट इंजेक्शन कैसे लगाए। देखिए बहुत सारे इंजेक्शन से जो है कि बकरी के चमड़ी में यानी सबकट लगाया जाता है, कुछ इंजेक्शन मांस में लगाया जाता है और कुछ इंजेक्शन नस में लगाया जाता है। लेकिन अब ये नस को और मांस को हम छोड़ देते हैं। हम आज ये सीखेंगे कि बकरी को सबकट यानी चमड़ी में इंजेक्शन कैसे लगाए। अब देखिए मेरी कोई बकरी बीमार तो नहीं है, बाकी सारी बकरियों को हमारे वैक्सीनेशन भी हुआ है और सिर्फ एक मेमना है जिसको लगाना है ईटी प्लस टीटी का बूस्टर डोज। उसको एक बार लग चुका है, लेकिन अब हम लगाएंगे बूस्टर डोज और इसी में हम सीखेंगे कि चमड़ी में यानी सबकट इंजेक्शन कैसे लगाएं, सुई कैसे लगाएं। क्योंकि बकरी पालन लोग करने को कर लेते हैं, लेकिन अगर बकरी बीमार होती है तो उसका इलाज करने के लिए कुछ दवाइयाँ जैसे सिरप है, कुछ गोलियाँ हैं, कुछ इंजेक्शन है, उसमें आता है चमड़ी में भी लगाने के लिए, जैसे कि वैक्सीन हो गया या तो हाईटेक इंजेक्शन हो गया, यानी बहुत सारे इंजेक्शन हैं जो कि चमड़ियों में लगाए जाते हैं। तो आज हम सीखेंगे चमड़ी में इंजेक्शन कैसे लगाएं। और देखिए ये मेरे हाथ में है ईटी प्लस टीटी का वैक्सीन, जबकि मेरे चैनल पर वीडियोस पड़े हुए हैं, आप जाकर के देख सकते हैं। इसके ऊपर तो हम बात नहीं करेंगे और ज़्यादा डिटेल में हम बातें नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि ये वैक्सीन जो है ईटी प्लस टीटी का यानी फर्स्ट टाइम जब लगाना है तो कम से कम 3 महीना प्लस आपकी बकरी का एज होना चाहिए और उसका डिवार्मिंग किया हुआ होना चाहिए। अडल्ट बकरी है तो आप चाहे जब लगा सकते हैं, अगर गाभिन बकरी है तो 1 महीना जब पूरा हो जाए तब लगाएं और आखिरी के महीना में ना लगाएं ईटी प्लस टीटी का। बाकी वैक्सीन का सिस्टम अलग है, तो अभी मैं लगा रहा हूँ, इतना मैं डिटेल आपको बता दिया। तो और ये देखिए मेरे हाथ में इंजेक्शन है और ये 3 ml का इंजेक्शन है और ये नॉर्मली सुई जो हमें लगाया जाता है ये वही सुई है। और ये देखिए, और वैक्सीन का कोल्ड चेन मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है और इसके ऊपर लिखा गया है 100 ml 50 डोज, यानी कि ये एक बकरी को 2 ml चमड़ी में लगेगा। तो आज हम उस चीज़ को जानेंगे। हल्का सा आपको रबी यानी इसको हिला लेना है और देखिए इस तरीक़ा से आपको इसमें यहाँ रबर का दिया गया है। ऑलरेडी मैं पहले इसको लगाया हूँ, तो अब यहाँ डाल करके अब हम इसमें से निकालेंगे 2 ml और ये देखिए इस तरीक़ा से आराम से आपको खींच लेना है और 2 ml पर कर लेना है इसको। अभी 1.5 ml हुआ है, थोड़ा सा लेना पड़ेगा। और एक चीज़ ध्यान देना है, इसमें कोई एयर बबल्स या जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए हमने 2 ml से थोड़ा ज़्यादा लिया है, लेकिन अभी इसमें एयर है और ये बबल्स जो बुलबुले होते हैं उसको बबल्स बोलते हैं, बुलबुले भी कह सकते हैं आप। तो इस तरीक़ा से आप उसको ऐसा हिला करके ठोक करके इस तरीक़ा से आप निकाल लें और 2 ml पर इसको कर लें। देखिए इस तरीक़ा से ये 2 ml हो गया और इसमें एयर और बबल्स नहीं है। आइए अब हम लगा करके दिखाएंगे कि चमड़ी में यानी सबकट इंजेक्शन कैसे लगा। थोड़ा नज़दीक से दिखाइए। और देखिए ये है मंगरी और इसको ऑलरेडी एक बार लग चुका है, अब हम दूसरी बार जो है कि इसको लगाएंगे और ये है इसका बूस्टर डोज। अब चमड़ी में जैसे कि आप देखिए यहाँ पर भी लगा सकते हैं, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको नज़दीक से दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पर पैर के आगे यहाँ पर भी लगा सकते हैं और यहाँ पर भी आप लगा सकते हैं, सेम इस साइड भी लगा सकते हैं। अब चमड़ी की बात कर रहे हैं तो हम चमड़ी पर ही बात करेंगे, बाकी इंजेक्शन का सिस्टम अलग अलग है। तो आप इस तरीक़ा से कर लें बकरी को। और देखिए इसको यहाँ लगाया गया है, एक बार का लगा है इसको, देखिए ये गिल्ठी बना हुआ है, एक बार का लगा है। तो हम इसको इस साइड लगाएंगे, इस बकरी को हम इस साइड लगाएंगे यहाँ पर। अब देखिए चमड़ी को ऐसे खींचना है, ये ट्राइंगल ऐसे खींचना है, इस तरीक़ा से आप चमड़ी खींचें। खींचने के बाद फिर यहाँ पर देखिए ऐसे अंगुली करेंगे तो भी शेप बन जाता है, भी शेप यानी कि इस तरीक़ा से वो बन जाता है, इस तरीक़ा से। इसी में आपको इंजेक्शन को मतलब इसमें आपको घुसाना है। ये देखिए यहाँ पर हमने इसको चमड़ी को ऐसे खींचा और ये देखिए बन गया। 3 परतें होती हैं, 3, लेकिन तीनों परतें सटी हुई होती हैं और एकदम रिलैक्स आराम से लगाइए, जल्दीबाजी नहीं करना है, अन्यथा ये मांस में भी जा सकता है। तो देखिए ये हमने इसको खींचा, रुको, और ये अंदर देखिए चला गया, अंदर चला गया और धीरे धीरे आपको दवा इसके अंदर इंजेक्ट कर देना है। हल्का सा इंजेक्शन अंदर डालने के बाद हल्का सा ऊपर उठा लेना है, तो आप ऊपर उठा लेंगे आराम से लग जाएगा। देखिए ये लग गया अब इसको रबिश करना है, हल्का हल्का हाथ से आपको इस तरीका से रबिश कर देना है बस। तो दोस्तों छोटा सा जानकारी था जो मैंने आपके साथ शेयर किया कि बकरी को चमड़ी में इंजेक्शन सुई कैसे लगाते हैं यानी सबकट। तो ये बहुत सारे बकरी पालकों की समस्याएं थी जो कमेंट कर रहे थे और मैसेज भी कर रहे थे, व्हाट्सअप भी कर रहे थे, सर जी कैसे लगाएं, बकरी बीमार है बताएं। शायद आप इस चीज़ से, छोटी सी जानकारी है, आप सीख जाओगे कि बकरी को चमड़ी में सुई कैसे लगाना है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना, चैनल पर नया चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।